और इसी बीच रुक कर लेंगे बड़ी खबर का, जहां कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल अनिल विज की अनदेखी पर बड़ा बयान दिया है। अनिल विज बीजेपी में सबसे सीनियर विधायक हैं। मलिक की तरफ से ये बयान सामने आया है। अनिल विज मंत्री जरूर उनको बनाना चाहिए था। ये जगबीर मलिक ने बयान देते हुए कहा है कि अनिल विज को मंत्री जरूर बनाना चाहिए था। उनकी सीनियरिटी के हिसाब से वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तो कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक का बड़ा बयान सामने आया है। अनिल विज की अनदेखी पर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीनियरिटी के हिसाब से अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। अनिल विज को जगह मिलनी चाहिए थी, एक बहुत बड़ा चेहरा था वो भी, और सबसे सीनियर आज के दिन में। अनिल विज से सीनियर बीजेपी में कोई विधायक नहीं है, ना मंत्रिमंडल में जो है वो उनमें से कोई है, ना दूसरे है, तो उनको स्थान न देना क्या साबित करता है। असल में तो उनका जो है मुख्यमंत्री के उसमें नाम पड़ना चाहिए था, जो सीनियरिटी के और उनके लॉयल्टी के हिसाब से देखे पुराने लॉयल आदमी हैं बीजेपी के, हाँ तो उसको जरूर मिलना चाहिए था। लेकिन उनके साथ जाती हुई है, वो बेटर जानते हैं वो क्या करेंगे क्या नहीं। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ख्याल है, लेकिन मंथन तो चला हुआ है, मंथन तो ऑलमोस्ट सबका पता ही है कंप्लीट, लेकिन डिक्लेरेशन जो है वो शायद डिले हो जाए, क्योंकि जो लेट 25 मई का जो इलेक्शन आया है उसकी वजह से ये जो है ना 5-7 दिन डिले हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील जिंदल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, अनिल विज को मंत्री बनाना चाहिए था, वो सीएम पद के दावेदार थे। जगबीर मलिक की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस भी अब बीजेपी के अंदर खेमे में जो उठापटक चल रही है उसमें हिस्सेदारी निभाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है अनिल विज की नाराजगी पर। बिल्कुल, देखिए आज गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने जो है कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा बयान दिया। दूसरा से हरियाणा में जो बीजेपी के नए मंत्रिमंडल शामिल किए गए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, उसी को लेकर बयान का कहना है कि देखिए इस पूरे जो मंत्रिमंडल को गैर कानूनी बताते हुए जगबीर मलिक ने आज सवाल खड़े किए हैं कि आचार संहिता लगी हुई है, जिसके बाद जो है इस तरह का मंत्रिमंडल का विस्तार करना कानून के हिसाब से गलत है। इसके अलावा देखिए जगबीर मलिक ने यह भी कहा है कि जिस तरह से जो अनिल विज बीजेपी पार्टी में एकदम सीनियर है और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की गई है, मंत्रिमंडल पद भी नहीं दिया गया है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। इसी बात को लेकर जगबीर ने कहा कि देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी अनिल विज की जो है अनदेखी कर रही है, जिसके चलते उनको जो है मंत्रिमंडल पद उसमें भी नहीं लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।